नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 नवंबर से होगी धान की खरीद, बिहार में बिजली आपूर्ति अब होगी बेहतर। नेशनल गेम्स में दिखी बिहार की बदहाली, इशारों में बहुत कुछ बोले जगदानंद सिंह। चोटिल खिलाड़ियों को लेकर रवि शास्त्री ने उठाए सवाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने किया इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सराय रंजन के नड़घोगी पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने यहां बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। जानकारी हो कि नड़घोगी में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग एवं भवन निर्माण के द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना श्री राम जानकी मठ के जमीन पर की जा रही है। उसके ठीक बगल में ही श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि अब बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। नीतीश कुमार कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। इसके बाद वह हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। जनता दल यूनाइटेड से जुड़े एक बड़े बिल्डर के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने आज सुबह सवेरे छापेमारी की है। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी माने जाने वाले गब्बू सिंह के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। छापेमारी को लेकर जो बात सामने आई है उसके अनुसार बिल्डर और होटल कारोबारी गब्बू सिंह और उनके स्टाफ के कुल 31 अलग अलग ठिकानों पर आईटी की रेड की गई है। गब्बू सिंह जेडीयू के गलियारे में जाना माना नाम है। जेडीयू के नेताओं के साथ उनके बेहद करीबी रिश्ते हैं, हालांकि राजनीति तौर पर वह बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। आरजेडी विधायक अनिल सहनी की विधायकी खत्म। आरजेडी के विधायक रहे अनिल कुमार सहनी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अनिल कुमार सहनी की विधायकी खत्म करने से जुड़ी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ एक मामले में दिल्ली की अदालत ने सजा का ऐलान किया था। इसके बाद ही उनकी सदस्यता जानी थी, लेकिन अब विधानसभा सचिवालय ने विधायकी खत्म करने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने यात्रा किए बगैर ही जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के माध्यम से 23,71,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया। बताते चले कि अनिल कुमार सहनी जेडीयू से 2 दफे राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। साल 2010 से लेकर 2018 तक राज्यसभा के सदस्य रहने के दौरान उनपे LCT घोटाले का आरोप भी लगाया गया था। अनिल सहनी फिलहाल RJD के विधायक थे। 1 नवंबर से होगी धान की खरीद। बिहार सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए धान खरीद करने की घोषणा कर दी है। उत्तर बिहार के सभी जिलों में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। वहीं दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू की जाएगी, जो 31 मार्च 2023 तक चलेगी। इसके लिए किसानों को कृषि या सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। धान खरीद से संबंधित विस्तृत जानकारी लेने और आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक लिंक आज 14 अक्टूबर 2022 से एक्टिव हो गए हैं। किसान इस लिंक पर धान खरीद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया गया है। एक ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,060 रुपए और साधारण धान के लिए MSP 1,040 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। नेशनल गेम्स में दिखी बिहार की बदहाली। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का बीते बुधवार को समापन हो गया है। गुजरात के 6 शहरों में आयोजित नेशनल गेम्स में उम्मीद के मुताबिक जहां सेना, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कुछ प्रमुख राज्यों का दबदबा रहा, वहीं बिहार की गिनती उन राज्यों में रही जो मुश्किल से 2 कांस्य पदक ही जीत सके। स्थिति यह रही कि अंक तालिका में बिहार का स्थान 31वें स्थान पर रहा। उनसे खराब प्रदर्शन सिर्फ सिक्किम का रहा, जिन्होंने सिर्फ 1 पदक हासिल किया। खेलों में सुविधाओं की कमी, बेहतर व्यवस्था को लेकर बिहार की सरकार कितनी गंभीर है, या नेशनल गेम्स में बिहार की पदक तालिका को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ की सरकार खेलों को लेकर कितनी रुचि रखती है, या नेशनल गेम्स के नतीजों में नजर आता है। तेजस्वी यादव ने डेंगू के रोकथाम को लेकर दिया निर्देश। बिहार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के खतरे को देखते हुए बीते दिन देर रात उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक NMCH पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ औचक निरीक्षण किया और साथ ही मरीजों से बातचीत भी की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने डेंगू को लेकर बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ NMCH का औचक जायजा लेने आए थे। उन्होंने कहा कि यह दवा को लेकर समस्या है, दवा की कमी है, उसे भी दूर किया जाएगा। डॉक्टर और नर्स का व्यवहार ठीक नहीं है, जो कमी होगा उसे दूर किया जाएगा और दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा में छात्रा ने लिखा भोजपुरी गाना। बिहार के छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की प्रायोगिक परीक्षाओं में एक छात्रा ने प्रश्न के जवाब में भोजपुरी गाना लिखा है। बता दें कि छात्रा छपरा में स्थानीय जगदम कॉलेज में प्रैक्टिकल की परीक्षा दे रही थी। अब उसे जवाब समझ नहीं आया। उत्तर पुस्तिका में लड़की ने भोजपुरी गानों की लाइन लगा दी। वहीं अब उत्तर पुस्तिका का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। मामले की पुष्टि के लिए जब जयप्रकाश विश्वविद्यालय के PRO प्रोफेसर से सवाल किया गया तो वे अटपटा जवाब देते हैं और कुछ कहने से बचते हुए दिखाई दिए। बता दें कि उस छात्रा का नाम कृपा सिंधु है। हालांकि इस तरह की किसी वायरल पोस्ट की सही होने की पुष्टि बिहारी न्यूज नहीं करता है। बिहार में बिजली आपूर्ति अब होगी बेहतर। बिहार में बिजली आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने बीते दिन गुरुवार को कैबिनेट बैठक में 3056.42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को हिस्सा पूंजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। बता दें कि दोनों बिजली कंपनियों को पुनरुत्थान क्षेत्र RDSS के अंतर्गत लॉस रिडक्शन घटक के तहत यह राशि उपलब्ध करवाई जानी है। इस योजना में कुल प्रस्तावित राशि 7,305.05 करोड़ रुपए थी। इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 7,081.05 करोड़ रुपए की 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60% अर्थात 4,248.63 करोड़ रुपए अनुदान स्वरूप दिए जाने हैं। वहीं शेष राशि 3,056.42 करोड़ रुपए राज्य सरकार दी जाएगी। सर्दी के प्रारंभिक दौर में ही एयरपोर्ट पर धुंध से डिस्टर्ब रहेगी उड़ान। मॉनसून खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। ऐसे में एक बार फिर से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा प्रभावित होगी। इसका कारण अप्रोच लाइट सिस्टम है जो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार लोगों को सर्दी के प्रारंभिक दौर में ही धुंध का सामना करना होगा। ऐसे में एक बार फिर से धुंध के कारण कम विजिबिलिटी से अधिकांश विमानों को कैंसिल कर दिया जाएगा। पिछले साल प्रबंधन की ओर से बताया गया था कि अप्रोच लाइट सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है, अब आगे इस तरह की परेशानी नहीं होगी। पर अप्रोच लाइट सिस्टम पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हो सका है, इससे दूरदराज से आने वाले पैसेंजरों को काफी परेशानी होगी। डेंगू ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। पटना जिले में डेंगू प्रतिदिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 दिन से जिले में हर रोज औसतन 250 से 300 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। बता दें कि बीते दिन गुरुवार को इस आंकड़े में और बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 24 घंटे में जिले में 406 नए मरीज मिले हैं जो अब तक का रिकॉर्ड है। इनमें सबसे अधिक PMCH में 145, IGIMS में 52, NMCH में 43, कुल 240 मरीज इन तीनों अस्पतालों के द्वारा किए गए जांच में पाए गए हैं। इसके अलावा 166 मरीज जिले के PHC अनुमंडलीय अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक अलग अलग करीब 427 इलाकों व घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। वहीं जिस रफ्तार से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वह बेहद खतरनाक है। नाराज जगदानंद सिंह के लिए बोले तेजस्वी। राजद में नाराज बताए जा रहे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की चर्चा चल रही है। इस बीच अब तेजस्वी यादव ने भी जगदानंद सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि वह नाराज नहीं है, अगर नाराजगी होती तो वह सामने से आकर बोलते। फिलहाल उनकी तबीयत खराब है। जगदानंद सिंह को आप नहीं जानते, वह सब काम कर लेते हैं लेकिन आगे कभी सामने नहीं आते। तेजस्वी ने कहा कि जगदानंद सिंह चेहरा दिखाने वालों में से नहीं है। पार्टी में नाराजगी कुछ नहीं होती है, आम सहमति से यहां निर्णय होते हैं। श्री यादव ने जयप्रकाश नारायण को लेकर अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था और आज अघोषित इमरजेंसी है। भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े आज पटना में। बिहार की बागडोर संभालने के बाद पार्टी की नब्ज टटोलने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार यानी कि आज से पटना में है। बता दें कि भूपेंद्र यादव के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बिहार भाजपा प्रभारी की कमान पार्टी ने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे तावड़े को सौंपी है। इस दौरान विनोद तावड़े बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ 1-to-1 बात भी करेंगे। अगले दिन शनिवार को तावड़े मुजफ्फरपुर और पटना में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी और लक्ष्य तय किए जाएंगे। उस बैठक में तिरहुत और सारण प्रमंडल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों पर बातचीत किया जाएगा, जिसके बाद रविवार को पटना में पटना और मगध प्रमंडल के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे।
इशारों में बहुत कुछ बोले जगदानंद सिंह। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि मुद्दा व्यक्ति से बड़ा होता है, इसलिए व्यक्ति की नहीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सब लोग व्यक्ति पर बात कर रहे हैं और इसमें मुद्दा गौण हो गया। उनका इशारा मंडी कानून समाप्त होने के बाद किसानों की बदहाली की ओर था। लालूआ तेजस्वी का नाम लिए बगैर जगदानंद सिंह ने कहा कि गरीबी व भूख के मामले में बिहार की स्थिति सबसे खराब है। इसको मुद्दा बनाए जाने के बजाय फिजूल की बातों पर चर्चा हो रही है। बता दें कि जगदानंद सिंह अपने बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से पार्टी के कामकाज से अलग हो गए हैं। वे पटना स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे थे। चोटिल खिलाड़ियों को लेकर रवि शास्त्री ने उठाए सवाल। भारतीय खिलाड़ियों के बार बार इंजरी को शिकार होने को लेकर टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, भारत के कोच के तौर पर मेरे लिए ये सबसे निराश करने वाली चीज थी। जब आप चोट की वजह से खिलाड़ियों को खोते हैं तो ये फिर ये अच्छा नहीं होता है। हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का 2 बार दौरा किया और इन दोनों ही टूर के दौरान भुवनेश्वर कुमार इंजरी का शिकार थे। अगर वह खेलते तो जिस तरह की स्किल उनके पास है उसे देखते हुए वह अहम विकेट निकाल सकते थे। अब देखिए, दीपक चाहर काफी कम खेलते हैं लेकिन वो भी चोटिल हो गए। मैं आंकड़े देख रहा था कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक बुमराह ने 5 मैच खेले हैं और वो भी चोटिल हो गए। इसलिए आपको काफी गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे बिहार में आज तेल के दाम। आज बिहार में पेट्रोल 51 पैसे बढ़कर फिर से 109.66 रुपए प्रति लीटर और डीजल 48 पैसे बढ़कर 96.28 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। कुछ जिले ऐसे भी है जहां दामों की कम किया गया है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, समस्तीपुर, रोहतास और सहरसा समेत अन्य शहर भी शामिल है। वही भागलपुर, भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, सिवान, शेखपुरा में तेल के दाम स्थिर है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, गया समेत मधुबनी, मुंगेर, नवादा, बक्सर, बांका, अररिया, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, छपरा, सीतामढ़ी जिला में तेल के दाम बढ़ गए हैं। पटना में पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 15 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया है। राजधानी पटना में गुरुवार को पेट्रोल 107.42 रुपए और डीजल 94.21 रुपए में बिक रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुलदीप कुमार, मोहम्मद सफी अहमद, नुनू कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, उमेश ऋषिदेव, राकेश शर्मा, अनवर करीम खान, मंगिता भारती, पवन सिंह, के सिन्हा, मोहम्मद नौशद राजा, सनी देवल, शंकर मुखिया, वीरेंद्र कुमार, मृत्युंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में खेल की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।